हाई एवरी वन दिस इज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विथ कम्फर्ट में और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पोलिटिकल थाट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द पोलिटिकल आइडियाज़ ऑफ एम एन रॉय सो जो पोलिटिकल आइडियाज़ हैं एम एन रॉय के आज हम उसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे रेडिकल ह्यूमैनिज्म हम ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं रेडिकल ह्यूमैनिज्म को मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right, आज मैं एक कॉम्प्रीहसिव मैनर पर डिस्कस करूंगी जो ओवरऑल पोलिटिकल आइडियाज़ हैं एम एन रॉय के क्योंकि अगर एक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे एड्रेस कर पाएंगे ओके सो बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे हम एम एन रॉय का सबसे पहले उसके पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस कि uh, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ मैं ज़रूर शेयर करना गाइस टू सपोर्ट मी राइट इससे क्या होगी ना मेरी स्टूडेंट तक uh, रीच पहुँच पाएगी ओके सो थैंक यू फॉर दैट सो so, अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें एम एन रॉय की सो ही वॉज़ बॉर्न इन द बंगल इन एटीन एटी सेवन राइट ही वर्कड विद द लेनिन ट्रस्ट क्या स्टालिन ओके इसके बाद से लाइक अरबिंदो घोष ही ऑल्सो बिग हिज पोलिटिकल लाइफ एज अ मिलिटेंट नेशनलिस्ट तो हम जो एम एन रॉय हैं इनके इनके जो थिंकिंग है या इनकी जो जो पोलिटिकल आइडियाज़ की लाइफ है उसको हम थ्री फेजिस में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट फेज जो लास्टेड अप टू द 1919 जिसमें वो एक नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी के तरीके उनका थॉट प्रोसेस है फिर सेकेंड फेज में उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता है जहाँ पर रॉय बिकम द कम्युनिस्ट सी वो मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे राइट right? वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाते हैं अपने थर्ड एंड फाइनल फेज़ में हम देखेंगे कि उनके थॉट्स पर फिर से ट्रांजिशन आता है सो ही इमर्ज एज अ रेडिकल ह्यूमनिस्ट रेडिकल ह्यूमैनिस्ट क्या था एक तरीके से ह्यूमेनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द मार्क्सिज्म जहाँ पर वो ह्यूमन बीइंग की रियल फ्रीडम या जो लिबरेशन है जो फ्रीडम है वो ट्रू सेंस में अचीव करने की बात करेंगे करते हैं सो रेडिकल ह्यूमैनिज्म को ऑलरेडी मैंने डिटेल में कवर कर रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगी या आप प्ले पर इंडियन पोलिटिकल थिंकर की प्ले पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को ओके okay, सो so ये थ्री फेजेस आप अगर मेंशन करते हो तो इससे पता चलता है कि एम एन रॉय की जो कंप्लीट जर्नी रही है एज ए इंडियन पॉलिटिकल थिंकर उसका आपको आइडिया है कि कैसे कैसे एम एन रॉय के पॉलिटिकल थॉट में जो चेंजेस आते हैं ट्रांजिशंस आते हैं ओके okay, सो so ये थ्री फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो सेकेंड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो लेनिन के द्वारा बुलाई गई थी राइट right? जिसका मेन पर्पज़ ये था कि हमने डिसाइड करना है डिसीजन लेना है कि

इसको अटेंड किया गया था एम एन रॉय के द्वारा भी सो लेनिन यहाँ पर लेनिन और एम एन रॉय के बीच में डिफरेंसेस आए थे कैसे डिफरेंसेस थे जो इनकी स्ट्रेटजी थी या अप्रोच था कि हम फ्रीडम स्ट्रगल जो कॉलोनीज में चल रहा है उसके लिए हमारा क्या अप्रोच हो उसको लेकर डिफरेंसेस थे सो एम एन रॉय ने डिसग्री किया था लेनिन के साथ में अब ये देखते हैं कि दोनों के अपने अपने ओपिनियंस क्या थे सो so, जो लेनिन थे उन्होंने उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कुछ इस तरीके से थी कि हमें उन्होंने टू स्टेज जो टू स्टेज या टू फेजेस बताए थे अपनी स्ट्रैटेजी के फर्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे नेशनलिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कॉलोनीज में जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो हम नेशनलिस्ट पार्टीज़ को सपोर्ट करेंगे और वंस इंपीरस्ट और आउटस्टेट मतलब जब एक बार हम इन नेशनलिस्ट पार्टीज़ के साथ अलायंस बना के जो इम्पीरियलिस्ट पावर हैं उनको बाहर फेंक देंगे और इसके बाद से हमें हम लिबरेशन और फ्रीडम अचीव कर लेंगे और इसके बाद से फिर हम कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाएंगे सेकेंड स्टेज पर तो पहले स्टेज में हमारा मेन उद्देश्य क्या है जो इम्पीरियलिस्ट पावर है ना जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश पावर थी सो ब्रिटिश रूलर्स को इंडिया से बाहर भगाना है पहली स्टेज में और ये हम कैसे करेंगे जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं जैसे इंडिया में इस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके साथ अलायंस बनाएंगे जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं वो नेशनलिस्ट पार्टीज़ के साथ अलायंस बना के ये काम करेंगी सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे मासिस की हेल्प से हम कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाएंगे और कम्युनिज़म इस्टेब्लिश करेंगे ये टू स्टेज स्ट्रेटजी सजेस्ट की गई थी लेनिन के द्वारा एम एन रॉय ने इस स्ट्रैटी या इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं किया क्या प्रॉब्लम थी एम एन रॉय की एम एन रॉय इस फेवर में नहीं थे कि हम नेशनलिस्ट पार्टीज के साथ अलायंस बनाएं ग्रुपिज्म करें और उन्हें सपोर्ट करें ताकि इम्पीरियल पावर को हम देश से बाहर भगा सकें एम एन रॉय का मानना था कि अगर हम नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने जाते हैं सो दिस इज़ अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मार्क्स सो so मार्क्स के खिलाफ के बेसिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है ये तो हमें ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए लेनिन लेनिन जैसा सजेस्ट किया वी शुड नॉट ट्रस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक जर्मन बोर्जुआइज क्लास हम कैसे इन नेशनलिस्ट पार्टी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी तो वही बोर्जुआ क्लास हैं ये भी तो हैप्स क्लास को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके okay, सो so, जो एम एन रॉय थे वो कहते हैं कि कम्युनिस्ट इंटर Uh, हाँ जो एम एन रॉय हैं वो कहते हैं कि भाई ये अप्रोच तो मेरी समझ में नहीं आया मैं एक अपना ऑल्टरनेटिव अप्रोच सजेस्ट करता हूँ सो एम एन रॉय ने क्या सजेस्ट किया कि हमें ये अलायंस वलायंस बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए हमें क्या हमें क्या ज़रूरत है जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है ना ये डायरेक्टली सपोर्ट करे कम्युनिस्ट पार्टीज़ को और जो पीजेंट्स हैं जो वर्कर्स हैं जो रिवोल्यूशन लाएंगे, सो so, ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है डायरेक्ट हमें सपोर्ट करे कम्युनिस्ट पार्टीज़ को कॉलोनीज में और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टीज़ विद द हेल्प ऑफ पीजेंट्स या वर्कर क्लास इनकी हेल्प से डायरेक्ट रिवोल्यूशन लाएंगी कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन लाएंगे और हम कम्युनिज़म इस्टेब्लिश करेंगे सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन द लेनिन एंड एम एन रॉय जो इनकी स्ट्रैटीज़ में था और एम एन रॉय ने जो अपना ऑल्टरनेटिव अप्रोच सजेस्ट किया तो so, यहाँ पर लेनिन के साथ एम एन रॉय के कुछ डिफरेंसेज आ गए थे और इसके बाद से आप देखेंगे कि एम एन रॉय एक तरीके से रेडिकल ह्यूमनिस्ट अपने थर्ड स्टेज पर पहुँच जाते हैं ओके सो एम एन रॉय एज ए इंडियन पोलिटिकल थिंकर फिलोसफर डेवलप्ड द यूनिक पोलिटिकल फिलोसफ़ी दैट वॉज शेप्ड बाई हिज एक्सपीरियंस एज एन एक्टिविस्ट एंड रिवोल्यूशनरी सो जो पोलिटिकल आइडियाज हम अभी डिस्कस करेंगे एम एन रॉय के वो अपने आप में यूनिक पोलिटिकल फिलोसफी है क्योंकि उनके आइडियाज़ उनके एक्सपीरियंसिस से शेप हुए हैं तो ये क्या है पोलिटिकल आइडियाज हम इनको ब्रॉड कैटेगराइजेशन करेंगे इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स पहला एलिमेंट्स क्या है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म सो रॉय बिलीव्ड दैट द ट्रेडिशनल सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स वर नॉट सुटेबल फॉर द इंडियन कंटेक्सट राइट ही ही एडवोकेटेड फॉर द रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म दैट वुड बी बेसिकली दैट इज डिजाइंड फॉर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडिया ओके सो रिवॉल्यूशनरीज आप देखेंगे कि हमने देखा था ना कि सेकेंड स्टेज में उनके जो मार्क्सिज्म के साथ डिफ्रेंसेज आते हैं क्रिटिसाइज करते हैं मार्क्सिज्म को राइट right. क्योंकि जो मार्क्स हैं इन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस किया इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है कॉल मार्क्स कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी का एनालिसिस हम किस आधार पर के आधार पर कर सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर एम एन रॉय वो कहते हैं कि इंडिया में डिफरेंट सिचुएशन है इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर ही केवल हम सोसाइटी का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं सो so, इस तरीके से वो मार्क्सिज्म के साथ उन, उनको क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ओके नेक्स्ट है नेशनलिज्म सो जो नेश जो पोलिटिकल नेक्स्ट पोलिटिकल आइडिया ऑफ एम एन रॉय दैट इज़ नेशनलिज्म नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद जब हम नेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं सो एम एन रॉय कहते हैं कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है दिस इज एक्सप्लाइटेटिव इन नेचर ओके सो हमें क्या करना है कि हमें इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है विद दी हेल्प ऑफ वायलेंस ओके सो हम इन्हें ये मिलिट्री अप्रोच अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे वायलेंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हम इस इम्पीरियलिस्ट पावर को हमें देश से बाहर निकालना है मतलब इंडिया को लिबरेट करना है ओके सो ही बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ बॉम्बे एंड पेस्टर्न अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही वॉज रिवॉल्यूशनरी और वो युगांतर एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसके वो मेम्बर भी बनते हैं ओके सो बेसिकली एम एन रॉय वॉज अ नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज थिंकिंग ओके तो इस तरीके से जो जो एम एन रॉय हैं उन्होंने वॉयलेंस या बॉम्ब या पिस्टल की पॉलिटिक्स को एडॉप्ट करने की कोशिश बा, की बात की एम एन रॉय जब वो रिवॉल्यूशनरी थिंकिंग में थे अपने फर्स्ट स्टेज में थे तब वो अपोज कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों क्योंकि जो आईएनसी थी वो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ स्ट्रगल के थ्रू फ्रीडम या लिबरेशन अचीव करने की कोशिश कर रही थी सो एम एन रॉय एज अ रिवॉल्यूशनरी मानना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हम लिबरेशन नहीं अचीव कर सकते हम ब्रिटिश रूल से छुटकारा नहीं पा सकते हमें वायलेंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ओके okay. सो so, नेशनलिज्म के आधार पर ये हो गया डेमोक्रेसी की बात करें सो so, हमने जो जो एम एन रॉय हैं ही इज अगेंस्ट दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है जहाँ पर जो आम जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है राइट right? और ये रिप्रेजेंटेटिव जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं ये डिसीजंस लेते हैं इस आम जनता के बिहाफ में ये होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सो एम एन रॉय हैं वो कहते हैं कि ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है ओके सो ही सपोर्टेड द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी राइट क्योंकि एम एन रॉय के अकॉर्डिंग जो 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 डायरेक्ट डेमोक्रेसी है दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी जहाँ पर जो जो आम जनता है जो पॉपुलेशन है जो सिटीजन्स है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन दोलिटिकल अफेयर ओके क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स को ना रिप्रेजेंट करके अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं सो ही ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉलिटिकल आइडिया ऑफ एम एन रॉय की बात करें तो दैट इज सेकुलरिज्म सो एम एन रॉय बिलीव्ड दैट दिस रिलीजन शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स और इसी आइडिया को लेकर उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया है उन अकॉर्डिंग टू एम एन रॉय कहते हैं कि जो गांधी जी की इंडिया में पॉपुलरिटी है ना वो इसलिए नहीं है कि गांधी जी महान हैं कोई कुछ ऐसे आइडियाज़ दे रहे हैं ग्रेट क्योंकि जो मासज़ हैं जो आम जनता है इंडिया की उसकी इग्नोरेंस की वजह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी है इग्नोरेंस के मतलब अज्ञानता है या इलिटरेसी है या जो आम जनता है उसको उतनी पढ़ी लिखी नहीं है समझ नहीं है अभी भी रिलीजन पे बिलीव करती है राइट right? तो इस तरीके से क्या है गांधी जी की पॉपुलरिटी इसलिए इंडिया में ओके okay, सो so, जो जो एम एन रॉय हैं वो कहते हैं कि हमें रिलीजन को सेपरेट करना चाहिए पॉलिटिक्स से ओके सो बेसिकली ही एडवोकेटेड द सेकुलर गवर्नमेंट दैट वुड प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर दर रिलीजियस बिलीफ अगर हम रेलिजन को पॉलिटिक्स में लाएंगे तो ये जो जो कम्युनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं हम हम जो 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 सिटीजनस हैं उनको कभी भी हम उनके रिलीजियस बिलीफ से बाहर रख नहीं देख पाएंगे इसलिए ज़रूरी है रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं नेक्स्ट है इंटरनेशनलिज्म नेक्स्ट पोलिटिकल आइडिया ऑफ एम एन रॉय सो एम एन रॉय बेसिकली बिलीव दैट द इंडियन रिवोल्यूशन वॉज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल रिवोल्यूशनरी प्रोसेस राइट सो ही सपोर्टेड द स्ट्रगल ऑफ अदर ऑपरेज नेशंस वो सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं थे वो इंटरनेशनल पर जो भी ऑपरेज नेशंस हैं जो अदर कॉलोनीज हैं उनकी भी फ्रीडम और लिबरेशन की बात करते हैं और एम एन रॉय बात करते हैं कि जो हमें हम अगर हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है ओके टू प्रमोट द पीस एंड कॉपरेशन अमंग द नेशन सो इंटरनेशनल लेवल पर जो 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 कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं दे नेक्स्ट so, है रेडिकल ह्यूमैनिज्म का कंसेप्ट सो रेडिकल ह्यूमैनिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एम एन रॉय का मैंने इस पर एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाई है आप इंडियन पोलिटिकल थिंकर आई की प्ले पर जाकर आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को ह्यूमनिज्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है जब वो वो फिलासफी जो ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे रख कर अपने थॉट्स जनरेट करते हैं रेट कि ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके उनके प्रोग्रेसिव सॉल्यूशंस क्या हैं ये सारी चीज़ें ओके okay, ना कि कोई डिवाइन पावर या सुपर पावर्स अब ये रेडिकल क्यों है क्योंकि ह्यूमन बींग को यहाँ पर ट्रू सेंस में कंसीडर किया गया है ओरिजिनल सेंस में कंसीडर किया गया है ओरिजिनल सेंस का क्या मतलब है यहाँ पर मतलब विदाउट एनी आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द कास्ट रिलीजन और नेशनालिटी इस आधार पर कोई आइडेंटिटी कंसीडर नहीं की गई है ओके सो ओवरऑल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन बीइंग की वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस को अचीव करना ह्यूमन बीइंग को ट्रू सेंस में लिबरेट करना ओके सो सो रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी टू टू अचीव द ट्रू ह्यूमन फ्रीडम एंड इक्वालिटी सो ये रेडिकल ह्यूमेनिज्म का कंसेप्ट आप मैंशन कर सकते हो इसे न्यू ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये मोर रिफाइंड uh, या या मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ह्यूमैनिज्म है इसमें एक्सपीरियंस ऑफ द एजेस को हमने इंक्लूड एम एन रॉय ने इंक्लूड किया है जिसकी वजह से इसे न्यू ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं नेक्स्ट फ्रीडम का कंसेप्ट सो जो जो फ्रीडम या लिबर्टी है वो एम एन रॉय के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिबर्टी या फ्रीडम अगर रहेगी सोसाइटी में तभी इंडिविजुअल अपना कंप्लीट डेवलपमेंट या डेवलपमेंट इन ऑल सेंस कर सकता है सो ही टॉक्ड अबाउट द ट्रू सेंस या ऑफ लिबरेशन या रियल फ्रीडम या रियल लिबरेशन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल लिबरेशन इट इज़ अ लिबरेशन फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ द फीयर्स राइट वो फॉरन रूल पोलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम सोशल फ्रीडम इवन फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजन ओके सो लिबरेट मैन इवन फ्रॉम द सुपर नेचुरल फीयर्स जो डिवाइन पावर है सुपर स्टेशंस इनके अगेंस्ट में भी हमें जो इंडिविजुअल का फीयर है उसे खत्म करना है तभी हम ट्रू फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं सो so, ये फ्रीडम का कंसेप्ट हो गया सो दीज आर सम पॉइंट्स जहाँ पर अगर एम एन रॉय की पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में बात करने को आता है तो आप लिख सकते हो सो so, अगर हम कंक्लूड करें आज so, के लेक्चर को सो एम एन रॉय के पॉलिटिकल फिलासफ़ी क्या है दैट वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म नेशनलिज्म डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म और इंटरनेशनलिज्म देन फ्रीडम लिबर्टी इन सारी चीज़ों पर हमने बात की ह्यूमन रेडिकलिज्म सो ये कई सारे सब कैटेगरी हैं जिन पर आप एक एक पैराग्राफ लिख सकते हो तो आपका एक कंप्लीट आंसर बन जाएगा सो so, इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जो जिस तरीके का रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म सजेस्ट किया गया था एम एन रॉय के द्वारा वो किसको टैकल कर रहा था स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द इंडिया ओके सो ही ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी वो भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म इंटरनेशनलिज्म रेडिकल सेक्यूलरिज्म राइट ऑल दीज थिंग्स ओके सो आई होप के आज का लेक्चर एनफ है एम एन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज पर आंसर लिखने के लिए और रेडिकल ह्यूमनिज़म का डिटेल वीडियो ज़रूर देखना मैंने आई बटन पर आपको इसका लिंक दिया हुआ है ओके एंड कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन कैसा लगा कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड वंस अगेन गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि 80 परसेंट जो मेरे व्यूवर्स हैं वो जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं सो गाइस आई 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 एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम टू सब्सक्राइब इट सो प्लीज़ गाइज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अगर आपको मेरे लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना गाइज़ एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग